નવસારીના ઐતિહાસિક સ્થળ દાંડીથી દિલ્હી સુધી સાયકલ યાત્રાએ નીકળેલા બીએસએફના જવાનો સુરત જિલ્લાના પલસાણા તાલુકાના ભાટિયા ગામે આવી પહોંચતા ગ્રામજનો દ્વારા તેઓનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ તેમજ ફિટ ઇન્ડિયા સૂત્રો સાથે બીએસએફના જવાનોએ દિલ્હીથી સત્યાગ્રહ સ્થળ દાંડી સુધી સાયકલ યાત્રા યોજી છે. 13 સપ્ટેમ્બરે નીકળેલી આ યાત્રા 2 ઓક્ટોબરે 20 દિવસની અંતર કાપી દિલ્હીના રાજઘાટ ખાતે પહોંચશે. डॉक्टर भरत पालीवाला, असिस्टेंट कमांडेंट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. क्या प्रोग्राम चल रहा है अभी? हम एक यूनिटी रैली निकाल रहे हैं आज़ादी के 75th एनिवर्सरी पे, जो हम लोग दांडी से हम राजघाट जाने वाले हैं. राजघाट हम 2 अक्टूबर को पहुंचेंगे और हमारे 15 जवान, उसमें एक ऑफिसर और एक एसओ के साथ हम लोग जा रहे हैं. मैं डॉक्टर हूँ, मैं चला भी रहा हूँ और बीच बीच में मेरा पूरा जिम्मेवारी है कि हेल्थ और इनकी सबको मेडिकल कवर भी प्रोवाइड करना. कितने दिन में पहुंचेंगे हम लोग? करीबन आज 13 तारीख को चल रहे हैं तो 2 तारीख को पहुंच जाएंगे. करीबन 17 से 18 दिन में पहुंच जाएंगे. कितने किलोमीटर का रोज का टारगेट देते हैं? हमारा आज का टारगेट अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर का है. आज फर्स्ट दिन है तो हम चाह रहे हैं, और आज सब में जोश बहुत हाई है तो हम मैक्सिमम आज कवर कर लें, और हमने अच्छे से व्यवस्था कर रखी है. हमारी टीम में 3 ऑफिसर हैं, सर पूरे कंटेनमेंट को लीड कर रहे हैं, मैं मेडिकल कवर प्रोवाइड कर रहा हूँ, और एक और सर है वो पूरा एडम देख रहे हैं.